अरे तुम तो छुई हुई हो क्या यार? वो तो देख सकते हैं आप मैं किस रास्ते से गुजर के जा रहा हूँ। ये यार बड़ा लंबा नींबू यार, ये कौन सा वाला नींबू है? ये है गोविंद जी का कीबोर्ड, डम डम दिगा दिगा। छुई हुई दोस्तों, देखिए इसको मारने पे अभी देखो ये। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अजय पंजमा ब्लॉग पर। दोस्तों आज भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, परंतु बरसात कुछ हल्की हुई है और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम बरसात कुछ तो कम हुई और किसानों का कुछ दर्द कम होगा मुझे ऐसा लगता है। और दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ अपने शिष्य गोविंद यादव के घर और पहुँच गया हूँ लगभग, समझिए आप वहीं से। और एक बाग पड़ता है, वहाँ पर हमारी गोविंद यादव जी से मुलाकात हो गई। इतना पानी भरा हुआ आपको बता नहीं सकते, अभी आपको दिखाएंगे। और ये भैया देखो हमारे शिष्य हैं गोविंद यादव जी। हेलो करो गोविंद। हेलो गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है गुरुजी के यूट्यूब चैनल पे। आप सब लोग लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत और ज्यादा सपोर्ट करें गुरुजी को। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को एक नया ब्लॉग मिलता है और जानकारी के साथ मिलता है। मैं आपकी जानकारी को बता दूं कि गोविंद यादव जी हमारे शिष्य रहे हैं जब मैं एक टीचर था, और उस दौरान ये हमारे शिष्य रहे हैं। और साथ ही हम लोगों ने एक म्यूजिक चैनल बनाया था जिस पर ये हारमोनियम बजाया करते थे, मैं ढपली बजाता था और सिंगिंग भी मैं करता था। और हमारे आदरणीय गुरुदेव जो है वो भी हारमोनियम और ढोलक बजा लेते हैं, तो बजाते थे। वो चैनल अभी हम लोगों ने कुछ समय तक के लिए पोस्टपोन कर रखा, क्योंकि इतना समय नहीं दे पा रहे हैं, एक ही चैनल पर काम करना मुश्किल होता है, क्योंकि अभी कोई भी चैनल मेरा ऐसा नहीं है जहाँ से मैं अर्निंग कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों इस वजह से, और आपको जानकारी होनी चाहिए कि अपना घर बार चलाने के लिए हमें अन्य काम भी देखने पड़ते हैं, घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो आज मैं गोविंद जी के घर आया हूँ इनसे मिलने के लिए। इनका थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और इनकी दिली इच्छा थी कि सर आप बहुत दिनों से आए नहीं हो, तो मैंने सोचा कि चलो गोविंद जी से मिलता हूँ। अभी आप कोशिश करूँगा, गोविंद यादव जी का दी गोविंद नाम से एक चैनल है, जबरदस्त तरीके से ये पियानो बजाते हैं। सॉरी पियानो क्या बजाते हैं, कीबोर्ड है, कीबोर्ड है, और हारमोनियम के साथ साथ कीबोर्ड बहुत बेहतर बजाते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको कीबोर्ड पर ये बजाएंगे और मैं गाऊंगा, कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक सॉन्ग सुनवाता हूँ। तो चलता हूँ, पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि रास्ता कितना ज़्यादा खराब है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और गोविंद जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो मेरे कैमरे को चलाएं जिससे कि मैं इनको दिखा सकूं अपने दर्शकों के लिए कि बरसात के मौसम में कितना दूभर हो गया मुझे यहाँ तक आना। तो दोस्तों देख सकते हैं आप मैं किस रास्ते से गुजर के जा रहा हूँ, अभी देखिए पूरा एकदम से। और चप्पल हमारी जो है वो गोविंद जी ने अपने हाथ में थाम रखी, इसलिए दिखाई नहीं पड़ रही आपको। इतना काम मैंने बढ़ा दिया गोविंद जी का। और ये देखो गोविंद जी, इस रास्ते से होकर गुजरना होता है दोस्तों। आपको दिखाऊं कि इतना ज़्यादा एकदम से गड़बड़ रास्ता है यहाँ का, और मैं बस पहुँचने वाला ही हूँ, अभी पहुँच जाऊँगा थोड़ी बहुत देर में। तो दोस्तों मैं जिस रास्ते से अभी गुजरा हूँ आया हूँ, वो रास्ता वाकई में गड़बड़ है और वहाँ से कोई भी बाइक वगैरह निकलना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने बाइक पीछे ही खड़ी कर दी और मैं, मेरा बैग और मेरी जो भी चप्पल वगैरह थी वो सब गोविंद जी ने अपने हाथों में ले रखी है। और अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं गोविंद जी के घर पर, चाय पानी करने के बाद थोड़ा सा इनके साथ बैठेंगे। और ये बहुत अच्छे भैया एक मतलब हारमोनियम वादक के साथ साथ में ये टेक्निकल से रिलेटेड भी चीज़ें बहुत अच्छी जानते हैं, और मुझे तो इतना नहीं जानकारी है। मोबाइल यूट्यूब के संबंध में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है इसकी जर्नी जो है वो बहुत ही लंबी होती है, बहुत सोच समझ के कदम रखना होता है। एक भी स्ट्राइक आ जाए तो सारा कुछ मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो मैं बहुत सारी चीज़ों को कोशिश करता हूँ कि गोविंद जी से जानकारी लेता रहूँ, क्योंकि सीखने में कोई बुराई नहीं होती है। और कोई भी हो, चाहे वो अपना स्टूडेंट ही क्यों ना हो, अपना बेटा ही क्यों ना हो, छोटे से सीख सकते हैं अगर आपको कहीं कुछ सीखने को मिल पा रहा है। तो दोस्तों मैं पहुंच रहा हूं अभी गोविंद जी के घर पर। एंड दोस्तों आ गया हूं मैं गोविंद जी के घर पर, और मैं आपको दिखाता हूं गोविंद जी के यहाँ जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है वो ये गोविंद जी, ये माल्टा है क्या ये? जी ये माल्टा है यहाँ पर, बहुत अच्छा। और यहाँ पर इन्होंने ये क्या बोलते हैं इसको, कनेर, कनेर है। और साथ ही इनके जानवर वगैरह, बहुत बड़ा बाग है, देखो आप दिखा सकते हैं आपको, यहाँ बहुत बड़ा इनका बाग भी है। और इसी बाग से हम लोग अभी आए हैं, यही मेन रास्ता है इनके घर आने का। और साथ साथ एक बहुत पुरानी चीज़ आपको दिखाता हूँ, जब मैं बचपन में छोटा सा था वो चीज़ें देखा करता था, वो आज मुझे यहाँ पर मिल गई है। और इसको बोलते हैं हम लोग छुई मुई, छुई मुई ये बोलते हैं हम इसको, छुई मुई। दोस्तों देखिए इसको मारने पर अभी देखो ये छुई मुई बोलते हैं ना, जैसे एकदम से कोई बोलेगा यार
अरे तुम तो छुई मई हो क्या यार, वो छुई मई मुझे आज यहाँ मिल गई है। और ये मिल गए हैं नींबू। ये यार बड़ा लंबा नींबू है यार, ये कौन सा वाला नींबू है ना गोविंद जी? ये किसी दूसरे प्रकार का नींबू है। और अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर छत पर, दो मंजिले पर। एंड दोस्तों आ गई है गर्मा गर्म चाय। यार ये तो बड़ी गर्म है यार, ऑटो में लग रही है यार, बहुत अच्छी चाय है दोस्तों। और अभी मैं गोविंद का स्टूडियो दिखाऊंगा आपके लिए, क्योंकि ये बहुत मेहनत करते हैं और इनका चाय पीता हूँ, उसके बाद फिर मैं इनका स्टूडियो दिखाता हूँ आपके लिए। एंड दोस्तों ये गोविंद का है भाई स्टूडियो, इसमें ये अपनी एक वैरायटी रखते हैं, इस पे सोलर पैनल से इन्होंने इसको जोड़ रखा है ऐसे करके, और ऊपर पैनल रखा हुआ है, और यहाँ पर इनका अपना ये क्या बोलते हैं, मैं तो भूल जाता हूँ, इसे कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड है, इसी से ये रियाज करते हैं। आप इनके चैनल पर जाकर देख सकते हो, दी गोविंद नाम से जो चैनल है, वहां जाकर के आप इनके चैनल को देख सकते हो कि इस कीबोर्ड से इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गानों की धुन निकाली हुई है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आज भी इनसे धुन निकलवाऊंगा। तो दोस्तों एक भाई शुरुआत जो होती है ना, वो छोटे लेवल से ही होती है। अभी इनका अपना स्टूडियो है, इस तरीके से अपनी छोटी मोटी चीज़ें रख रखी हैं इन्होंने, और छोटी थोड़ी बहुत किताबें अपनी यहाँ रखी हुई हैं, पढ़ाई भी करते हैं, हाई स्कूल में है मात्रा भी ये। तो दोस्तों कैसा लगा स्टूडियो गोविंद का, कमेंट करके बताइएगा। एंड फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ अब गोविंद जी के कीबोर्ड पर, आपको दिखा सकता हूँ। ये है गोविंद जी का कीबोर्ड, जिस पर ये आपको धुन निकाल करके दिखाने वाले हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं दो लाइनें प्रस्तुत करूं, और आप तैयार हैं गोविंद जी मेरे दर्शकों को सुनाने के लिए? तो मैं अभी आपको एक भजन सुनाता हूं, भजन की दो लाइनें, पूरा तो भजन नहीं होगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो दो लाइनें हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो दोस्तों अभी मैं आपको दूसरा एक और दिखाने वाला हूँ, मैं इसके साथ आपको एक और गाना, जो कि इसे मौसम के अनुसार ही है, और मैंने अपने उस वाले म्यूजिक चैनल पर गाया भी था, मैं सुनाता हूँ आपके लिए। एक मैं फिल्मी सॉन्ग जी है ना, डम डम दिगा दिगा मौसम भीगा भीगा, डम डम दिगा दिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा है अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह है अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम दिगा दिगा मौसम भीगा भीगा, डम डम दिगा दिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा है अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह है अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह। तो दोस्तों वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको और ज्यादा नहीं सुनवा सकता हूँ, परंतु हाँ ये है कि मैंने कीबोर्ड आपको दिखवा दिया है कि गोविंद जी इस तरीके से अपने कीबोर्ड पर तैयारी करते हैं, और अपने यूट्यूब चैनल पर इस तरीके की वीडियोस बना करके डालते हैं। तो प्लीज दी गोविंद नाम का जो चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी, और गुरु जी का भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आगे से गुरु जी को सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल बहुत सपोर्ट है गोविंद जी का, मेरे लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट है, क्योंकि मैं यूट्यूब के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानता था, एक गोविंद जी और दूसरा अरविंद जी, इन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका है मुझे यहाँ तक पहुंचाने में, हालांकि मैं अभी कुछ गेन नहीं कर पाया हूँ, परंतु इन लोगों ने जो मुझे सराहा और मुझे यहाँ तक लाने की कोशिश की, सर आप एक अपना यूट्यूब चैनल बनाइए बनाइए बनाइए, और मैंने इनके लोगों के कहने पर यूट्यूब चैनल बनाया, पर हमें यूट्यूब के बारे में इतना ज्यादा नहीं जानता था। तो दोस्तों अभी बैठेंगे गोविंद जी से बातें करेंगे, परिवार संबंधी कुछ बातें करेंगे, और उसके बाद फिर हम यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे अपने घर के लिए। एंड फाइनली दोस्तों अब मैं निकल रहा हूँ अपने घर की तरफ, काफी देर मुलाकात हुई, बातचीत हुई,
और आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं ऐसी कामना करता हूँ। मुस्कुराहट आ गई है चेहरे पे, गुरु चेला मिल गए हैं। और दोस्तों बस मैं यहाँ से प्रस्थान करूंगा सीधे अपने घर के लिए। काफी दिनों बाद आज मुलाकात हुई, मैं कोशिश करता रहता हूँ गोविंद जी से मिलता रहूं, गोविंद जी भी आते रहते हैं, मिलते रहते हैं मेरे से, क्योंकि यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर हम दोनों के गाँव है। तो जल्दी जल्दी हम लोग मुलाकात करते रहते हैं। अब चूंकि विद्यालय तो छोड़ दिया है तो मुलाकात नहीं हो पाती है, मेरी खुद की अपनी शॉप मैंने कर ली है और ये अपना कॉलेज जाते हैं अभी, तो डेली मिलना नहीं हो पाता जैसे पहले होता था। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग, मस्ती भरा ब्लॉग, प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। और एक बार जरूर कहना चाहूंगा कि प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज लाल वाला बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको पहले मिलते रहें। और सब्सक्राइब करें और सर के चैनल को ज्यादा सपोर्ट करें, और दी गोविंद अच्छे कंटेंट डालते हैं और हमेशा अच्छी वीडियो मिलती है। दी गोविंद चैनल को भी याद रखें भाई, ये हमारे स्टूडेंट हैं, चेला हैं हमारे, तो इनका भी चैनल को प्रमोट करें आप लोग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।